वेलकम टू बैक दोस्तों, असी आए हैं पार्ट दो विच, भाग दूजे विच। ये आगरे के किले का अंदर का खूबसूरत दूर तक का दृश्य है, अते ये है दीवाने आम। लगभग 46 पिलरां दे उत्ते खड़ा ये खूबसूरत दीवाने आम, जिस पासे तो भी तुम देखोगे तो इस दियां सारे पास्यों इको जिहां ही कलावां नज़र आउणगियां। यह है सम्राट दे बैठण दा स्थान, हो सकदा इत्थे कोई सिंघासन लगा होवे। ये जो सामने इमारत दे उपर उच्ची दीवार देख रहे हो, इस दे पिछे आर्मी दा अधिकार है। रतन सिंह दी हवेली ये वो सामने वाले गेट तो पिछे है जो कि बंद है। मीना बाजार, मोती मस्जिद, उसका भी दरवाजा बंद है। लगभग इस किले का 75% हिस्सा जो कि आर्मी दे अंडर है। ये दीवाने आम दे विच ही एक खूह है। उस समय इस खूह तो पानी दी पूर्ति की जाती होगी। जान सेल कालविन, ब्रिटिश काल समय भारत के पहले गवर्नर की यह कबर है। इस तो अगे ही चलते हाँ एंट्री करके खास महल ते अंगूरी बाग। ये शाहजहान का खास महल है, निजी महल है। खास महल में प्रवेश करते हाँ तो तुहाडियां अखां चुंधिया आ जाणगियां, क्योंकि सामने खास महल का संगमरमरी इमारत का जो भाग तुहानूं नज़र आएगा बहुत ही खूबसूरत बनिया होया है। इत्थे दीआं दीवारां ते बहुत खूबसूरत मीनाकारी हुई है। ये है अंगूरी बाग। कहा जाता है कि इस स्थान ते ही अंगूरां दी खेती हुंदी सी जां फसल हुंदी सी, ते सामने मेहराब वाले बरांडियां विच बैठ के ही शाहजहान अंगूर दी वाइन पिया करदा सी। यह है शाहजहान दा खास महल, अते इस दे चफेरे बनी एक खूबसूरत इमारत, दो मंजिला इमारत है। बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन है जिसनू चार हिस्सों में वंडिया है। अते ए चुफेरे दी इमारत जिस दे दरवाजे सारे पासे नहीं हन, क्योंकि उस समय दे विच इन्हां नू पर्दियां दे नाल कवर किया जाता सी। शाहजहान दा खास महल तुसी देख रहे हो। ये पानी दे छोटे छोटे कुंड अते ये दीपक जगाउण वास्ते आले बनाए हुए हन। इत्थे सारा ही काम संगमरमर दी नकाशी नाल होया है। चलदे हां उपर खास महल। ये उस वेले फुहारे चलदे होणगे। इत्थे दियां दीवारां पिलर दे उपर नकाशी दा खूबसूरत काम होया है, जिस विच उस समय सोने नूं ढाल के नकाशी कीती गई सी। इस दे नाल ही शाहजहान दी छोटी बेटी रोशन आरा दा ए महल सी, पैलेस सी। आम जनता दी सेफ्टी वास्ते ये रेलिंग लगा दित्ती हुई है, क्योंकि इस तों पिछले पासे बहुत ही गहरी खाई है। ये जो नहर देख रहे हो ये किले दे चफेरे है, जिस विच पानी छड्या हुंदा सी अते इस विच मगरमच्छ सन, उस तों बाद विच सैनिक, उस तों बाद च हाथी वगैरह जो सी इस विच रखे जांदे सी।
ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੱਤਾਂ, ਮੁਗਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਹੀਨ ਕਾਰਾਗਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਪੈਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਕ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਲਾਲ ਬਲੂਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹਿਲ, ਕਈ ਕਕਸ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਨਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਫੈਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਮੁਸੰਮਨ ਬੁਰਜ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਸਦੇ ਖੰਭੇ, ਇਸਦੇ ਥੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਰਤਨਾ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਅਜੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀ ਚਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
उसने इस सुरंग राही ही उस नूं ताजमहल ले जाया। इस शाही बुर्ज दे कोल ही इस इमारत दे विच मीना मस्जिद है। कहा जाता है कि जद शाहजहान औरंगजेब की कैद विच सी ते ओ इस मस्जिद नूं मीना मस्जिद नूं ही प्रयोग करिया करदा सी। ये जो इमारत देख रहे हो गार्डन दे खूबसूरत गार्डन दे चुफेरे ये अकबर वल्लों तैयार किया गया मीना बाजार सी। अकबर ने लाल बलुआ पत्थर दियां इमारतां तैयार करवाईयां सी पर शाहजहां ने बाद विच इस उत्ते सफेद प्लास्टर करवा के मीनाकारी करवा दित्ती। ये छोटे दरवाजे इस करके रखे गए है कि आदमी अपने कद तो हेठां चुक के शाहजहां दे पिछे जां सम्राट दे पिछे आवे। ये रस्ता दीवाने खास जांदा है। सामने पंज मेहराब वाली खूबसूरत इमारत देखोगे। इस दे कोल ही सम्राट दा तख्त अते इन्हां कुंडियां द्वारा ही जद धुप जां बरसात हुंदी सी तंबू लगाए जांदे सी अते इह है तख्त जहांगीरी। सम्राट इस स्थान ते बैठ के खास लोकां दे नाल गुफ्तगू करिया करदा सी। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो सफेद श्वेत संगमरमर दी बनी हुई है। मुसम्मन बुरज ये वही मुसम्मन बुरज का उपरों असी नज़ारा देखते हाँ जिस विच शाहजहां कैद सी अते दूर तो ताजमहल का दृश्य देखा करता सी। किले दी बारी द्वार जिस उपर उस समय सैनिक तैनात हुंदे होणगे जां रिहा करदे होणगे। सामने देख सकते हां ताजमहल। छत्तां विच सुंदर नमूने सामने खुला मीना बाजार दा गार्डन ये जो होल तुसीं देख रहे हो उस समय दे विच इन्हां विच मशाल लगा के रोशनी कीती जांदी सी। इथे देश विदेश तो पर्यटक सैलानी घूमण आउंदे हन। दोस्तों इतिहास कुछ भी होवे पर तुसी इस वीडियो नूं देखोगे तो जां देखदे आए हो पहला भी उस समय दे कारीगर जां उस समय दी भवन निर्माण कला किन्नियां बरीकियां नकाशियां छतड़ियां जालियां दी खूबसूरती अद्भुत है।
बहुत ही खूबसूरत नक्काशी। फिर असीं उपरों देखते हाँ मसम्मन बुरज, फिर देखते हाँ मसम्मन बुरज ते बारी द्वार, ये नक्काशियां खूबसूरत बेल बूटियां वालियां संगमरमर दे विच। शाहजहां कला वास्तु कला दे गुड़े प्रेमी सन। इस वास्ते शाहजहां दे युग नूं वास्तु कला दा सुनहरी युग अते भारतीय सभ्यता दा समृद्ध काल कहा जांदा है। ये उस समय दा कक्ष दफ्तर सी जिसते 4500 मुलाजमान की हाजिरी जो लगाई जाती सी। असी हेठ आते हाँ दीवाने आम आम जनता की फरियाद सुनने वास्ते ये इमारत है। वो सामने जो छतरियां देख रहे हो वो एरिया बंद है, वो है मोती मस्जिद।